पर मेंशन कर रहा हूं मैं गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, कहीं कहीं पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी नाम देते हैं। मोस्ट फेमस नाम है गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। इट इज मेन कैरेक्टर ऑफ क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑल्सो फाउंड इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, सो इट इज मेन मेथड, इट इज मेन मेथड, बेटर टू से ओनली मेथड, केवल और केवल इकलौता मेथड या मेन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइसिटीज। इसी के बेसिस पर फ्यूचर में मैं जाइगोमाइसिटीज का, जाइगोमाइसिटीज क्लास का कॉमन नेम कॉन्जुगेट फंजाई भी नाम दूंगा, कॉन्जुगेट फंजाई, क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है। सो जाइगोमाइसिटीज का मेन मेथड है, ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, ऑल्सो फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज। यहां पर इट कैन बी होमोथैलिक, बेसिकली हेट्रोथैलिक होता है। यहां पर दो कंपैटिबल फंगस के थैलस बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज आपस में यूनाइट होंगे, हेट्रोथैलिक टाइप ऑफ गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। ब्लैक्सली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको ब्लैक्सली मेथड भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हियर टू डिफरेंट कंपैटिबल हाइफे ऑफ डिफरेंट थैलस बोल दिया तो हेट्रोथैलिक हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोथैलिक, इट इज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट ब्लैक्सली। ठीक है, हेट्रोथैलिक मेथड ऑफ गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन डिस्कवर्ड बाई, सो टू डिफरेंट कंपैटिबल हाइफा ऑफ डिफरेंट थैलस ऑफ सेम फंगस स्पीसीज। ऐसा नहीं कि दो फंगस के थैलस पास पास में ग्रो हो रहे हैं, एक दूसरा और जो है स्पीसीज है एक दूसरा, दो डिफरेंट स्पीसीज नहीं, सेम स्पीसीज के दो फंगस के थैलस हेट्रोथैलिक ऑफ सेम फंगस स्पीसीज पार्टिसिपेट। अब आगे मैं स्टोरी डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। ध्यान से समझिएगा प्लीज, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में गैमेटेंजियम, मेल और फीमेल गैमेटेंजियम कॉन्टेक्ट किए थे, अटैच हुए थे, यहां पर गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट होंगे, यूनाइट हो जाएंगे। कैसे होंगे ले चल रहा हूं बात को, आगे इरेज कर रहा हूं उसको। ध्यान से समझिएगा, ये यहां पर एक फंगस का हाइफा है और ये दूसरे फंगस के थैलस का हाइफा है। दोनों फंगस के थैलस सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, मैंने बोला है जाइगोमाइसिटीज, तो क्यों ना हम इसको यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट बना दें, जहां पर थ्रू आउट लेंथ ऑफ फंगस हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, कॉमन साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है। तो ये दो डिफरेंट फंगस है, फंगस के हाइफा है, एक पॉजिटिव हाइफा कंसीडर करेंगे और दूसरा यहां पर निगेटिव हाइफा कंसीडर करेंगे। एक पॉजिटिव हाइफा कंसीडर होगा और एक निगेटिव हाइफा, सो टू डिफरेंट कंपैटिबल हाइफा बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट फंगस थैलस ऑफ सेम स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में। स्टार्ट हुआ स्टोरी, सबसे पहले होगा बोथ हाइफे प्रोड्यूस लैटरल हाइफा टुवर्ड्स ईच अदर
ईच अदर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बात पकड़िएगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइस्पोरिक एसिड ट्राइस्पोरिक एसिड सो ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में दोनों कंपैटिबल हाइफा एक दूसरे की तरफ लैटरल हाइफा प्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसा बोलो कैसा ऐसा तो ये एक लैटरल हाइफा प्रोड्यूस हुआ और ऐसे में इसने भी दूसरे तरफ लैटरल हाइफा प्रोड्यूस किया पॉइंट समझिएगा ये हो गया लैटरल हाइफा नाउ इस लैटरल हाइफा को ये पॉजिटिव लैटरल हाइफा ये निगेटिव लैटरल हाइफा बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा दे आर कॉल्ड जाइगोफोर दे आर कॉल्ड जाइगोफोर बात समझ में आ रहा है इसके पहले फोर कहीं सुना स्पोरेंजियोफोर कोनिडियोफोर स्पोरेंजियोफोर जिसके टिप पर स्पोरेंजियम होता है कोनिडियोफोर जिसके टिप पर चेन ऑफ कोनिडिया बनता है दोनों असेक्सुअल हाइफा रिप्रेजेंट कर रहे थे ये जो लैटरल पॉजिटिव हाइफा है और जो लैटरल निगेटिव हाइफा है इनको हमने बोला जाइगोफोर दे रिप्रेजेंट सेक्सुअल हाइफा याद आ रहा है कि मैंने आपको बोला था मैं सेक्सुअल हाइफा की स्टोरी में आपको समझाऊंगा ये सेक्सुअल हाइफे पॉजिटिव लैटरल हाइफा निगेटिव लैटरल हाइफा बनाया पॉजिटिव हाइफा ने निगेटिव हाइफा ने एक दूसरे की तरफ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइस्पोरिक एसिड पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा दे आर कॉल्ड सेक्सुअल हाइफा दे आर कॉल्ड जाइगोफोर इस लैटरल हाइफा में सारा का सारा कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा सारा का सारा कंटेंट हाइफा का कंटेंट इस लैटरल हाइफा में माइग्रेट हो जाएगा ठीक है सो यहां पर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन और साइटोप्लाज्म इस लैटरल हाइफा में ट्रांसफर हो गए पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा ठीक है पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा यहां पर लिख चुका हूं समझ में आ गया अब बात आगे बढ़ा रहा हूं पॉजिटिव लैटरल हाइफा विल फॉर्म गैमेटेंजियम ओवर इट्स टिप निगेटिव लैटरल हाइफा विल फॉर्म गैमेटेंजियम ओवर इट्स टिप फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम होगा सो यहां पर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफे बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफे फॉर्म गैमेटेंजियम गैमेटेंजियम ओवर इट्स टिप बात पकड़ के रखिएगा अपने टिप पर पॉजिटिव लैटरल हाइफा और निगेटिव लैटरल हाइफा बनाएगा गैमेटेंजियम मैंने यहां पर क्या बोला ये है पॉजिटिव हाइफा ने बनाया पॉजिटिव लैटरल हाइफा ये है निगेटिव हाइफा ने बनाया निगेटिव लैटरल हाइफा एक दूसरे की तरफ ना व्हाट विल हैपन पॉजिटिव हाइफा के टिप पर बनेगा पॉजिटिव गैमेटेंजियम निगेटिव हाइफा के टिप पर बनेगा निगेटिव गैमेटेंजियम पॉजिटिव गैमेटेंजियम में पॉजिटिव गैमेटेंजियम में पॉजिटिव गैमेट का सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा निगेटिव गैमेटेंजियम में सारा का सारा जो है साइटोप्लाज्म और जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा निगेटिव गैमेटेंजियम में पॉजिटिव हाइफा में मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है निगेटिव हाइफा में मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है दोनों हाइफा एक दूसरे की तरफ ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में लैटरल हाइफा बनाया पॉजिटिव हाइफा और निगेटिव हाइफा का मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन लैटरल हाइफा में आ गया दोनों पॉजिटिव और निगेटिव लैटरल हाइफा ने अपने टिप पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम बनाया और पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा तो ये दोनों है ध्यान दीजिएगा ये यहां पर ऐसे मेंशन करते हैं प्लीज समझिएगा अच्छे से सो ये यहां पर है पॉजिटिव और ये यहां पर है निगेटिव सो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम पॉजिटिव गैमेटेंजियम के अंदर बनेगा पॉजिटिव गैमेट दैट इज नथिंग बट मेल गैमेट और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर फॉर्म होगा निगेटिव गैमेट दैट इज नथिंग बट फीमेल गैमेट
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लैटरल हाइफा अपने ऊपर बनाया गैमेटेंजियम, उस गैमेटेंजियम के अंदर ऑल द मल्टीन्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हुआ और वही मल्टीन्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म अपने अराउंड सेल मेम्ब्रेन बना के पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट में कन्वर्ट हो गए। इनिशियली पॉजिटिव गैमेट में मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन होगा, इनिशियली निगेटिव गैमेट में मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन होगा, क्योंकि ये हाइफा का ही तो कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, बोलो तो सही, समझ में आ रहा है? सो क्या मैं इन दोनों गैमेट्स को, पॉजिटिव गैमेट्स को और निगेटिव गैमेट्स को सिनोगैमेट्स बोल सकता हूं? सिनोगैमेट्स, थोड़ा सुनिएगा, इनिशियली बोथ गैमेट्स, इनिशियली बोथ गैमेट्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, both gametes are multinucleated, thus called synogametes। यहां gametangial conjugation में synogamete का formation होता है। बात पकड़ में आया? synogamete बनाने तक का स्टोरी। तो पॉजिटिव gametangium में पॉजिटिव synogamete, निगेटिव gametangium में निगेटिव synogamete का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर होगा conjugation, यहां पर होगा क्या? कॉन्जुगेशन, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम दे गेट यूनाइट, दे गेट यूनाइटेड, दे गेट कॉन्जुगेट, दे सो कॉन्जुगेशन। सो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम, गैमेटेंजियम की बात हो रही, गैमेट की बात नहीं है। सो कॉन्जुगेशन, सो कॉन्जुगेशन या यूनियन, दे सो कॉन्जुगेशन या यूनियन। सो यहां पर है पॉजिटिव हाइफा ने बनाया था पॉजिटिव लैटरल हाइफा, यहां पर है निगेटिव हाइफा ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में बनाया था निगेटिव लैटरल हाइफा, यह है पॉजिटिव गैमेटेंजियम हाइफा, धीरे धीरे ग्रो होता रह गया एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम यूनाइट हो गए। पॉजिटिव गैमेटेंजियम के अंदर अब है सिंगल न्यूक्लिएटेड पॉजिटिव गैमेट, इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऑन मेच्योरिटी एक ही न्यूक्लियस की जरूरत है, तो ऑल अदर न्यूक्लियाई डीजनरेटेड और केवल एक ही न्यूक्लियस बनेगा। बात समझिएगा, ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस रिटेन्ड, सिंगल न्यूक्लियस रिटेन्ड बाय द सिनोगैमेट। सो यहां पर हुआ कॉन्जुगेशन, यहां पर हुआ कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंजियम, यहां पर कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंजियम, यह है पॉजिटिव गैमेटेंजियम, यह है निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर पॉजिटिव यूनिन्यूक्लिएट गैमेट और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर निगेटिव यूनिन्यूक्लिएट गैमेट ऑन मैच्योरिटी बना। बस समझा, बस समझा, यहां पर कॉन्जुगेशन प्रोसेस तक की स्टोरी क्लियर है। लैटरल हाइफा अपने ऊपर जो है गैमेटेंजियम बनाया, गैमेटेंजियम के अंदर इनिशियली मल्टी न्यूक्लियर गैमेट रहेंगे जो ऑन मैच्योरिटी ऑल अदर न्यूक्लियाई गेट डीजनरेटेड एक्सेप्ट वन और यूनाइट हो गए। बात पकड़ा? इरेज करके बात आगे बढ़ाए, प्लीज समझिएगा, प्लीज इरेज कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां तक की स्टोरी हम पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये यहां तक की स्टोरी मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं, प्रीवियस वाला डायग्राम। पॉजिटिव लैटरल हाइफा के ऊपर पॉजिटिव गैमेटेंजियम, निगेटिव लैटरल हाइफा के ऊपर निगेटिव गैमेटेंजियम, पॉजिटिव गैमेटेंजियम में लास्ट में सिंगल न्यूक्लियस बचेगा पॉजिटिव गैमेट के अंदर, निगेटिव गैमेटेंजियम में लास्ट में सिंगल न्यूक्लियस बचेगा निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर। तो ये यहां तक की स्टोरी समझ में आ गया है। अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सुनिएगा, कॉमन वॉल, कॉमन वॉल बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम, पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम डिजॉल्व, डिजॉल्व, ठीक है, फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ,
followed by fusion of positive and negative gametes, followed by fusion of positive and negative gametes. So E है positive और E है negative. Common wall dissolve हो गया, दोनों पॉजिटिव और अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव यहां पर लिख दे रहा हूं गैमेटेंजियम ताकि कंफ्यूजन ना हो, गैमेटेंजियम ठीक है, और यहां पर ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ध्यान से समझिएगा, ये यहां पर निगेटिव ये यहां पर पॉजिटिव, इन दोनों को जो है साथ में लिख दे रहा हूं पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट. लैटरल हाइफन ने अपने ऊपर गैमेटेंजियम बनाया और उस गैमेटेंजियम के अंदर डेवलप हुआ पहले मल्टी न्यूक्लियेट पॉजिटिव और निगेटिव सिनोगैमेट, बाद में जो है सारे अदर न्यूक्लियस डीजनरेट होके पॉजिटिव गैमेटेंजियम के अंदर सिंगल न्यूक्लियेटेड पॉजिटिव गैमेट और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर सिंगल न्यूक्लियेटेड निगेटिव गैमेट बना. बीस का वॉल डिजॉल्व हुआ, ध्यान दीजिएगा यहां पर यह है कुछ ऐसा स्टोरी, पहुंच गया हूं मैं कुछ इस स्टेज तक, मैं बात पहुंचा चुका हूं. बीच का कॉमन वॉल डिजॉल्व हो चुका है, बीच का कॉमन वॉल डिजॉल्व हो चुका है. डिजॉल्व होने की वजह से, कॉमन वॉल डिजॉल्व होने की वजह से कॉमन वॉल डिजॉल्व हो गया. बीच का मैंने कॉमन वॉल डिजॉल्व कर दिया, ध्यान से देखिए, नहीं नहीं आंख से देखिए, दोनों गैमेटेंजियम के बीच का कॉमन वॉल डिजॉल्व हो गया, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम फ्यूज हो गए. ये यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम फ्यूज हो गए, फ्यूज होके जाइगोट बना लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट फ्यूज होके, सो फ्यूजन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेट. यहां पर प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलो, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलो कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलो कैरियोगैमी ठीक है. दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. मुझे बताइए, मुझे बताइए, जब बीच का कॉमन वॉल डिजॉल्व हुआ पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम का और पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट हो गए, आप बताइए इसमें किसको बोलेंगे पॉजिटिव गैमेट और किसको बोलेंगे निगेटिव, सॉरी किसको बोलेंगे पॉजिटिव गैमेटेंजियम किसको बोलेंगे निगेटिव गैमेटेंजियम. यहां पर पॉजिटिव गैमेटेंजियम में प्रेजेंट पॉजिटिव गैमेट वो डोनर के जैसा एक्ट नहीं कर रहा है, यूनाइट हो गए, कॉन्जुगेट हो गए. पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम के कॉमन वॉल के डिजॉल्व होने के बाद फ्यूज हो गए, तो कौन पॉजिटिव गैमेटेंजियम कौन निगेटिव गैमेटेंजियम, क्या आइडेंटिटी मेंटेन है? नहीं ना. गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में पॉजिटिव जो मेल गैमेटेंजियम एंथुरिडियम था उसका कंटेंट फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेटेंजियम में ट्रांसपोर्ट हुआ, तो जिस गैमेटेंजियम का कंटेंट चला गया एम्प्टी हो गया वो पॉजिटिव सॉरी वो मेल गैमेटेंजियम कंसीडर हुआ. यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या? क्या मैंने बोला बीच का कॉमन वॉल डिजॉल्व हुआ उसके बाद पॉजिटिव गैमेटेंजियम अपना, नहीं नहीं दोनों के दोनों पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट दोनों के दोनों यूनाइट होके बना लेंगे जाइगोट. तो यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम अपना आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुके ना, सो क्या मैं मेंशन करूं After conjugation, after conjugation, identity of gametangium, identity of gametangium, positive and negative lost. याद रखिएगा गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में मेल और फीमेल गैमेटेंजियम एंथ्रिडियम एंड आर्चिक एंथ्रिडियम एंड उगोनियम का आइडेंटिटी मेंटेन्ड होता है क्योंकि एक एमपी एंथ्रिडियम दूसरे में स्पोर जाइगोट वो उगोनियम कंसीडर होगा. यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बात पकड़ में आया? नहीं, बताओ कौन है. अगर मैं स्टार्टिंग से ये पॉजिटिव ये निगेटिव ना बताऊं, ये पॉजिटिव हाइफा ये निगेटिव हाइफा आपको ना बोलूं, तो यहां पर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कैसे पता चल रहा है आपको? मेरी बात पकड़िए, समझो तो सही, सिंपल सा है.
पॉइंट समझा। अगर मैं बिगिनिंग से ये पॉजिटिव हाइफा, ये निगेटिव हाइफा, ये पॉजिटिव लैटरल हाइफा, ये निगेटिव लैटरल हाइफा, ये पॉजिटिव गैमेटेंजियम, ये ऐसा ना बोल रहा होता तो इस स्टेज में कौन पॉजिटिव और कॉन्जुगेशन के बाद नहीं समझ सकते ना, इसलिए आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन, जाइगोट, मैंने जाइगोट फोर क्यों बोला, इस स्टेज पर क्लियर है ये हाइफा, ये दोनों लैटरल हाइफा, दोनों लैटरल हाइफा के टिप पर जाइगोट स्टेबल है, इसलिए हमने जाइगोट फोर बोला। ठीक है, अब इस स्टेज में इस लैटरल हाइफा को हम जाइगो फोर फिर से मैं जो है नाम दे दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं क्यों जाइगो फोर बोला। बोथ लैटरल हाइफा के टिप पर जाइगोट प्रेजेंट है, डिप्लॉयड जाइगोट, इसलिए हमने जाइगो फोर बोला। सो पॉजिटिव लैटरल हाइफा, निगेटिव लैटरल हाइफा एट दिस स्टेज दे आर बेयरिंग जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट एट इट्स टिप, दस कॉलिंग एट जाइगो फोर। वॉट विल हैपन यहां पर नेक्स्ट, डिप्लॉयड जाइगोट फॉल ऑन द ग्राउंड, फॉल ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म थिक प्रोटेक्टिव वॉल, एंड फॉर्म थिक प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सो जाइगो, ये जो है जाइगोट का कवरिंग है, हम बोल सकते हैं जाइगोट का कवरिंग ब्रेकआउट होगा या इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा गैमेटेंजियम, ये जो पूरा का पूरा गैमेटेंजियम फ्यूज हुआ है, अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुका है, जिसके अंदर जाइगोट है डिप्लॉयड, पूरा का पूरा जो है गैमेटेंजियम नीचे गिरेगा और अपने ऊपर थिक वॉल बनाएगा, या मैं बोल सकता हूं गैमेटेंजियम ब्रेक होगा, जाइगोट केवल नीचे गिरेगा और जाइगोट बनाएगा थिक प्रोटेक्टिव वॉल। दोनों केस कंसीडर करके रखिएगा, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी इमीडिएट होता है जो है जाइगोमाइसिटिस के मेंबर में। सो ये यहां पर है डिप्लॉयड जाइगोट फॉल ऑन द ग्राउंड, आई कैन से आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द फ्यूज्ड गैमेटेंजियम और दे विल फॉर्म थिक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंट वॉल ओवर इटसेल्फ ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। थिक वॉल्ड जाइगोट को हम नाम देते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, यहां पर थिक वॉल्ड जाइगोट इट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। और क्या मैं जाइगोस्पोर को रेस्टिंग जाइगोट या पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकता हूं, थिक वॉल बना के अनफेवरेबल कंडीशन जो है जब तक रहेगा तब तक अपने आप को इनएक्टिव करके रखेगा, समझा। सो थिक वॉल्ड जाइगोट कॉल्ड जाइगोस्पोर दैट शो मोड ऑफ सर्वाइवल इट विल वेट पासिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। सो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं जाइगोस्पोर, so zygospore shows perination, thus it is representing perinating structure। so zygote का पहला नाम तो zygote है, दूसरा नाम oospore, thin walled zygote, इसके पहले हमने पढ़ा। और यहां पर जब zygote बना तब उस समय अनफेवरेबल कंडीशन आया और उसने अपने ऊपर थिक वॉल्ड बना के, सो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में थिन वॉल्ड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में थिक वॉल्ड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में बने हुए थिन वॉल्ड जाइगोट को ऊस्पोर और गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में थिक वॉल्ड बने हुए जाइगोट को जाइगोस्पोर नाम दिया। बात समझा, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, ऑइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, जाइगोट, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ऊस्फियर जो है, स्पर्म सेल, एग सेल, ओवम सेल, आगे आ रहा है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, सब कुछ डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कौन कौन है हैप्लॉइड, कौन कौन है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड में जाइगोट खुद, ऊस्पोर और जाइगोस्पोर, यही डिप्लॉयड होंगे, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉयड होंगे। मैं आगे कनेक्ट करूंगा, इरेज कर रहा हूं, आगे स्टोरी ले चल रहा हूं ये इरेज करके।
ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यहां पर है डिप्लॉइड जाइगोट। इस डिप्लॉइड जाइगोट ने अनफेवरेबल कंडीशन के आने पर ओवर इटसेल्फ थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल बना दिया, और थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल हेल्प दिस जाइगोट, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट स्पोर नाम दे रहा हूं अब, ठीक है, दिस थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल हेल्प जाइगोट स्पोर टू सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। सो ये है थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर। तो जाइगोस्पोर इज नथिंग बट जाइगोट जिसके पास प्रोटेक्टिव थिक रेजिस्टेंट वॉल है, बात समझा। अब आप बोलोगे सर आपने प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली कैरियोगैमी करवा के बना लिया जाइगोट, ठीक है, मान लिया जाइगोट जब बना अनफेवरेबल कंडीशन आया तो आपने जाइगोट को सर्वाइव करवाने के लिए उसके ऊपर थिक प्रोटेक्टिव वॉल बना दिया। अब अगर मैं बोलूं कि ऑन अराइवल ऑफ, सुनिएगा प्लीज, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, आगे की स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आप बोलोगे सर फेवरेबल कंडीशन आने वाला है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो तीन ही स्टेप होता है, पहला दो स्टेप ऑलरेडी हो चुका है प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी, इसी की वजह से जायगोट बना, तो अब फेवरेबल कंडीशन में होगा क्या, ये थिक वॉल ब्रेक होगा, जायगोट मियोसिस करेगा? और नहीं, यहां पर थोड़ा स्टोरी आगे बढ़ेगा। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन यहां पर ब्रेकिंग ऑफ थिक वॉल ये तो हुआ, थोड़ा सुनिएगा, इट इज फॉलोड बाय जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अब तक जाइगोट और आगे भी जाइगोट, बाय द वे आगे भी जाइगोट आएगा, अब तक जाइगोट और आगे भी जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस कर रहा था और करेगा, बट यहां पर जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस ना करके कुछ और भी स्ट्रक्चर बनाएगा, होगा यहां पर जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। सुनो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, और जब जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है उसी समय, जब जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है उसी समय फ्री न्यूक्लियर मियोसिस होगा, उसी समय होगा फ्री न्यूक्लियर मियोसिस। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट फॉलोड बाय फ्री न्यूक्लियर, ध्यान से सुनते रहिएगा, फ्री न्यूक्लियर मियोसिस इन डिप्लॉइड न्यूक्लियस forms four haploid nuclei। मेरी बात समझिए, ध्यान दीजिए, थिक प्रोटेक्टिव वॉल उड़ा दिया मैंने, जिस सबस्ट्रेटम पर जाइगोट फॉल डाउन हुआ था, जाइगोट फोर के टिप पर बना था, वहां से नीचे गिरा था, गिरा जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया, रेजिस्टेंट वॉल बना दिया, इनएक्टिव हो गया, पेरिनेटिंग स्टेज में चला गया, फेवरेबल कंडीशन आया तो थिक प्रोटेक्टिव वॉल को मैंने यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, थिक प्रोटेक्टिव वॉल यहां पर ब्रेक हो गया, अब जाइगोट जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया, सुनो जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेट करके एक ट्यूबुलर हाइफा बनाया, इस हाइफा को वैसे तो जर्मिनेट करता कौन है, वैसे तो रियलिटी में जर्मिनेट करता है स्पोर, वो चाहे असेक्सुअल स्पोर हो या जाइगोट में मियोसिस के बाद बना हुआ मियोस्पोर हो, जर्मिनेट करता है स्पोर, माइसीलियम या हाइफा बनाता है स्पोर, जर्मिनेट हो रहा है यहां पर जाइगोट, तो कुछ तो अलग नाम देंगे, जाइगोट के जर्मिनेशन से जो हाइफा या माइसिलियम बना, बाय द वे हाइफा ही बोल दो, इस हाइफा को हम यहां पर, या स्ट्रक्चर को, नॉट हाइफा और जो है हाइफा और माइसिलियम वर्ड यूज करो, कंफ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट के जर्मिनेशन के बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे प्रोमाइसिलियम, यानी स्पोर से जर्मिनेट होके बनता तो हम हाइफा और माइसिलियम नाम देते, और क्या हुआ, जब जर्मिनेट हो रहा था तो ये यहां पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस हो चुका है,
अरे हेलो हेलो, ये यहाँ पर ये जो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर में है डिप्लॉइड न्यूक्लियस कैरियोगैमिस से बना हुआ, यही कर रहा है मियोसिस, और मियोसिस करके ये यहाँ पर बनाया हैप्लॉइड न्यूक्लियस। आगे क्या होगा? आगे होगा साइटोप्लाज्म, जायगोट में जो भी साइटोप्लाज्म जो भी जो है सेमी फ्लूइड मटेरियल होगा वो, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोमाइसीलियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात पकड़िएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सो लेटरली ऑल फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ट्रांसफर्ड इनसाइड प्रोमाइसीलियम एंड इट इज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। इट इज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, बात सुनते रहिएगा। सो ई है यहां पर जाइगोट, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जर्मिनेट हुआ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया जिसको प्रोमाइसीलियम बोला, चारों के चारों न्यूक्लियस इस प्रोमाइसीलियम में ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा? ये है जाइगोट जो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके बनाया था प्रोमाइसीलियम, जिसमें ट्रांसफर हुआ था चारों के चारों न्यूक्लियस और जो कुछ भी साइटोप्लाज्म था जाइगोट में वो भी ट्रांसफर हुआ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होगा। हर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अराउंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का कलेक्शन फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ये क्या बन गया? हैप्लॉइड सेल्स। बोलो जाइगोट। सो जाइगोट गिरा जाइगोफोर से ग्राउंड पर, अनफेवरेबल कंडीशन बना तो थिक वॉल बना लिया, पेरिनेशन रेस्टिंग फेज में चला गया। फेवरेबल कंडीशन आया, प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेकआउट हुआ, जाइगोट जर्मिनेट करके ट्यूबुलर प्रोमाइसिलियम बनाया, जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस ने किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बनाया चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोमाइसिलियम में ट्रांसफर हो गए विथ जो भी साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा होगा जाइगोट के अंदर, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो ये यहां पर हुआ साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में चारों के चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टुगेदर साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट किया, तो ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया साइटोकाइनेसिस हुआ। फिलहाल ये अभी यहां पर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जाइगोट में बना फ्री न्यूक्लियर मियोसिस से ड्यूरिंग जर्मिनेशन। बात आगे बढ़ी, प्रोमाइसिलियम में ट्रांसफर हो गए, बात आगे बढ़ी, सबके सब ने किया टुगेदर साइटोकाइनेसिस और कन्वर्ट हो गए फोर हैप्लॉइड सेल्स में। क्लियर है यहां तक? बोलो कुछ तो बोलो। अब यहां पर क्या होगा? प्रोमाइसिलियम के टिप पर बनेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अच्छा इस स्टोरी को आगे ले लेते हैं, ये इरेज कर रहा हूं सो दैट मुझे स्पेस मिल जाए, ये इरेज कर रहा हूं। बात समझिएगा प्लीज, ये जाइगोट था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने प्रोमाइसीलियम नाम दिया है, प्रोमाइसीलियम जाइगोट से जो हाइफा माइसीलियम बना या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना उसको हमने प्रोमाइसीलियम नाम दिया है, और इस प्रोमाइसीलियम के अंदर जो है
चार न्यूक्लियस को मैंने ट्रांसफर किया था जो टुगेदर किए साइटोकाइनेसिस और कन्वर्ट हो गए टुगेदर इन द हैप्लॉइड सेल। यहां तक की बात तो क्लियर है, अब आगे क्या हुआ, यहां पर आगे क्या हुआ, प्रोमाइसिलियम अपने टिप पर बलून लाइक स्वॉलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। थोड़ा सुनिएगा, नाउ नेक्स्ट ध्यान दीजिए, देयर इज नाउ नेक्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बलून लाइक स्वेलिंग एट द टिप ऑफ प्रोमाइसिलियम, बलून लाइक स्वेलिंग किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, पहले भी सुन चुके हैं क्या नाम देते हैं बलून लाइक स्वेलिंग को, स्पोरेंजियम। अगर बलून लाइक स्वेलिंग बना होता स्पोर के जर्मिनेशन से बने ट्यूबुलर हाइफा के टिप पर तो उसको हम स्पोरेंजियम बोलते। यहां पर बलून लाइक स्वेलिंग बनने वाला है जाइगोट के जर्मिनेशन से बने प्रोमाइसिलियम के टिप पर, तो कुछ तो नाम अलग होगा। तो ये जाइगोट की स्टोरी तो खत्म हो गई, इसका सारा कंटेंट न्यूक्लियस सब जो है ट्रांसफर हो चुका है, ये है प्रोमाइसिलियम। और अब प्रोमाइसिलियम बना रहा है अपने ऊपर बलून लाइक स्वेलिंग, क्या बनाया बलून लाइक स्वेलिंग। सो प्रोमाइसिलियम के टिप पर जो बलून लाइक स्वेलिंग बना इसको हम सिंपली स्पोरेंजियम नाम ना देके जर्म स्पोरेंजियम नाम देंगे, क्या नाम देंगे जर्म स्पोरेंजियम। और इस जर्म स्पोरेंजियम में चारों के चारों हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय transfer of all four cells. So balloon like swelling at the tip of mycelium called, यहां पर ऐसे लिख देते हैं called germ sporangium। उसके बाद ये लाइन आ जाएगा, पॉइंट समझा। सो चारों के चारों हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर हो गए जर्म स्पोरेंजियम में। अब स्टोरी सिंपल हो गई, यहां पर बस्टिंग ऑफ जर्म स्पोरेंजियम रिलीजेज ऑल फोर सेल्स। बट इसके पहले मैं बात आगे बढ़ाऊं, स्पोरेंजियम में, अच्छा प्रोमाइसिलियम तक ने हम इस सेल्स की बात कर रहे थे, जब तक ये चारों के चारों सेल है प्रोमाइसिलियम में तब तक ये चारों के चारों जो है हैप्लॉइड सेल्स बोले जाएंगे, जब तक ये चारों के चारों सेल है प्रोमाइसिलियम में तब तक हम इनको हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। लेकिन ये चारों के चारों हैप्लॉइड सेल जर्म स्पोरेंजियम के फॉर्मेशन के बाद पहुंच गए जर्म स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर तो स्पोर होता है ना, तो हम सेल तो बोल नहीं सकते, हम इनको नाम क्या देंगे। स्पोरेंजियम के अंदर नॉर्मली स्पोर होता है, जर्म स्पोरेंजियम के अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स आए, क्या मैं इन हैप्लॉइड सेल्स को जर्म स्पोर्स नाम दूं, जर्म स्पोर नाम समझते रहिएगा प्लीज। जाइगोट के जर्मिनेशन से जो ट्यूबुलर फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना उसको सिंपल माइसिलियम या सिंपल हाइफा ना बोल के हमने प्रोमाइसिलियम बोला, प्रोमाइसिलियम ने अपने टिप पर जो बलून लाइक स्वेलिंग बना उसको सिंपल स्पोरेंजियम ना बोल के हमने जर्म स्पोरेंजियम बोला, और उसके अंदर जो हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर हुए उसको सिंपल स्पोर ना बोल के हम नाम देंगे जर्म स्पोर। तो यहां पर बस्टिंग ऑफ जर्म स्पोरेंजियम रिलीजेज ऑल फोर सेल्स या ऑल फोर जर्म स्पोर, जर्म स्पोर्स, ध्यान दीजिएगा। अब एक और ट्विस्ट आ रहा है यहां पर, सो ई यहां पर है जाइगोट जर्मिनेट होके बनाया था प्रोमाइसिलियम, उसमें न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गए थे, न्यूक्लियस ट्रांसफर होने के बाद बलून लाइक स्वेलिंग हुआ, ये बलून लाइक स्वेलिंग को हमने बोला जर्म स्पोरेंजियम में चारों हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर हो गए, चारों हैप्लॉइड सेल्स को अब हम नाम देंगे जर्म स्पोर। इसमें से दो होगा पॉजिटिव टाइप का, दो होगा निगेटिव टाइप का। तो अब ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, सर वो आपने स्टार्टिंग में एक को पॉजिटिव हाइफा बोला दूसरे को निगेटिव हाइफा बोला, ऐसा क्यों बोला, तो हम वहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं,
जस्टिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्पोर पॉजिटिव थैलस बनाया, निगेटिव स्पोर ने निगेटिव थैलस बनाया ऑफ द सेम फंगस। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव स्पोर एंड निगेटिव स्पोर जर्मिनेट पॉजिटिव जर्म स्पोर और निगेटिव जर्म स्पोर, पॉजिटिव जर्म स्पोर एंड निगेटिव जर्म स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म पॉजिटिव एंड निगेटिव थैलस। ये स्टोरी थोड़ी आगे चली, समझ में आया कि नहीं? सो ये था गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम यूनाइट हुए, बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया, दोनों कॉमन हो गए। जैसे दोनों कॉमन हुए इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में मेल गैमेटेंजियम का कंटेंट फीमेल गैमेटेंजियम में आया तो जो एम्प्टी है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे। बात समझा पक्का? सो गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंग्वेज में जाइगोमाइसिटिस का। इस पूरे स्टोरी की वजह से गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन की वजह से हम जाइगोमाइसिटिस को कॉन्जुगेट फंजाई कॉमनली नाम देंगे। दो हाइफा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लैटरल हाइफा बना जिसको जाइगोफोर बोला। लैटरल हाइफा के टिप पर गैमेटेंजियम बना, गैमेटेंजियम के अंदर इनिशियली सिनोगैमेट बना, सिनोगैमेट लास्ट में जो है मोनोन्यूक्लिएट हो गए, यूनिन्यूक्लिएट हो गए, बाकी न्यूक्लियाइड जो है उसके बाद गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट हो गए, अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट हुआ, फ्यूजन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी दोनों साथ में होगा। अगर जाइगोमाइसिटिस की बात करें, एस्कोमाइसिटिस की बात कर रहे हैं तो डिले हो सकता है, वो बात के बाद। हमने जाइगोमाइसिटिस की स्टोरी को पकड़ा। जाइगोट जाइगोफोर के टिप पर मेंटेन था, नीचे गिरकर थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल बना के पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो गया। जाइगोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में आया, प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेक हुआ, जाइगोट जर्मिनेट हुआ, प्रोमाइसिलियम फॉलोड बाय जर्म स्पोर, एंजियम के अंदर जर्म स्पोर, दो पॉजिटिव दो निगेटिव, ये रहा गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया। दो और टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन है, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। इन दोनों की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पिकअप कर लेंगे। इस वीडियो